इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है, दिल्ली से बड़ी खबर है। लोकसभा में महिला आरक्षण बिल पास हो गया है। संसद के विशेष सत्र के तीसरे दिन यह पास हुआ, चर्चा हो रही थी इस पर। अब ये कल राज्यसभा में पेश होगा और पर्ची से वोटिंग हुई और इस बिल के समर्थन में आप सोचिए 454 वोट पड़े हैं और केवल 2 वोट इसके विरोध में गए हैं, यानी कि सबने इस बिल का समर्थन किया है। अब ये राज्यसभा में जाएगा और जिस तरह का इसे बहुमत लोकसभा में मिला है, अब ऐसा लग रहा है कि राज्यसभा में भी कोई इसका विरोध करेगा ऐसा लग नहीं रहा, और ज्यादा मुश्किल सरकार को इससे राज्यसभा में पास करवाने में नहीं होगी। आपको बता दें कि ये पिछले 27 साल से लगातार कानून की शक्ल लेने की कोशिश कर रहा है, लेकिन बार बार विरोध और इसमें तमाम जो आपत्तियां आती रही तो ये पास नहीं हो पाया, लेकिन अब लोकसभा में इसे पास करा लिया गया है। पर्ची से वोटिंग हुई और इस बिल के समर्थन में 454 वोट पड़े, केवल 2 वोट इसके विरोध में पड़े हैं। तो 33% आरक्षण मिलना शुरू हो जाएगा, चाहे जो विधानसभा है उसमें दिल्ली की विधानसभा भी शामिल है, जो लोकसभा है, अगर ये बिल पास हो जाता है। और इसके अलावा आपको बता दें कि जो राज्यसभा है या फिर जो विधान परिषद है वहां पर ये लागू नहीं होगा। विकास चंद्रा ज्यादा जानकारी दे रहे हैं, सुनिए। दिन ही वो राज्यसभा में चला जाएगा और कल के लिए वहां समय भी तय कर लिया गया है, 7.5 घंटे का समय राज्यसभा में रखा गया है इस बिल के ऊपर बहस करने के लिए और बाद में पास कराने के लिए। जैसा कि आज हम लोगों ने लोकसभा में देखा कि 11 बजे से इस पर बहस की शुरुआत हो गई और अब डिवीजन भी इस पर हो गया, और ये वाकई कह सकते हैं कि जो इतिहास बना है आज की, जिस तरीके से इस पर वोटिंग हुई है और जितने सदस्य मौजूद थे उसमें से मात्र 2 लोगों ने इसके खिलाफ जाकर वोट दिया है, कह सकते हैं कि पूरे सदन ने इसका समर्थन किया है। 2/3 से इसका पास होना बहुत जरूरी था लेकिन पूरे सदन के समर्थन में नजर आया, तो यह भी अपने आप में एक इतिहास है। हालांकि जब इस पर बहस चल रही थी, अलग अलग दल के नेता अपनी बात रख रहे थे, तो उस समय लग रहा था कि कहीं ओबीसी का मामला, जो आरक्षण के अंदर आरक्षण की मांग करते आ रहे हैं तमाम राजनीतिक पार्टियां, वो मसला ना फिर फंस जाए, क्योंकि 27 सालों से इसी मसले पर महिला आरक्षण बिल फंसता चला, लगातार चला आ रहा है। लेकिन लोगों ने बेशक भाषण दिया, लेकिन यह मुद्दा ही ऐसा है, यह मसला ही ऐसा है। सामने दो पर पहली बार हम देख रहे हैं कि इतना बड़ा बहुमत शायद किसी बिल को मिला है, बहुत कम ऐसे मामले देखने को